नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, नमोनारायण जी, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीताम्बरी रत्न के बारे में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नायाब, बहुत ही प्यारा रत्न है पीताम्बरी। दो अलग अलग कलर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे पार्टी कलर भी कहा जाता है। नीलम आपने बहुत देखे होंगे, फिर पुखराज देखे होंगे, और नीलम और पुखराज का जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसे कहते हैं पीताम्बरी। धरती माता की गर्भ से जब नीलम जहां पर बनता है वहीं पे पुखराज बनता है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नीलम जो बनता है उसका जो एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है और जो पुखराज बनता है वो आयरन के कंटेंट से बनता है। जो इनका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 का है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आयरन और एल्यूमिनियम का दोनों का कॉम्पोजिशन जब बनेगा धरती माता के गर्भ में, तो वहां पर पैदा होता है पीताम्बरी रत्न। नीलम, नीलम के साथ में पुखराज, ये दो रत्न जब दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी कला हो कि आप दोनों को मिक्स कर दें, तब जाकर के बनता है पीताम्बरी। तो धरती माता के गर्भ से पीताम्बरी निकलता है। पीताम्बरी किसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए? शनि और गुरु के जिनकी कुंडली में युति है, मान लीजिए आपकी कुंडली धनु लगन की है या किसी भी लगन की है मान लीजिए, और अगर शनि और गुरु दोनों अच्छे भाव में बैठे हैं, अब चलिए ये भी एक बात हो गई कि दोनों गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है इनका आपस में अच्छा होना, दोनों का परस्पर डिग्री का कॉम्बिनेशन अच्छा होना। अब मान लीजिए कैरियर में आपका 10वें घर में शनि बैठे और शनि कमजोर हैं, लेकिन आपको बृहस्पति की सपोर्ट भी चाहिए। कैसे? जैसे दसम भाव का स्वामी शनि हुआ तो 9वें भाव का भाग्य का लक का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति हुआ। तो आपकी कुंडली में अगर एस्ट्रोलॉजर दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि गुरु को भी मजबूत करना है, जैसे जस्टिस बनते हैं जो लोग न्यायाधीश बनते हैं, जो लोग एडवोकेट बनते हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ खास लोग हैं जिनके लिए पीताम्बरी रत्न स्पेशली हम रिकमेंड करते हैं कि आप पीताम्बरी तो जरूर पहनिए। इसमें खास करके जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, लाइजनिंग समझते हैं, जो टोपीबाजी करते हैं, इसका काम करा दिया, उसका काम करा दिया, वहां से पैसे बना लिए, वहां से बना लिए, लाइजनिंग का काम करने वालों को, क्योंकि दो रंगी है, नीला भी है पीला भी है, हर टाइम रंग बदलना जिनको जरूरत है, जिनको हर टाइम प्रेजेंटेशन देनी है हर टाइम पे, जैसे एक्टर्स हैं, एक्टर्स में भी कुछ लोगों की कुंडली में अगर शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो उन्हें पीताम्बरी जरूर पहनना चाहिए। पीताम्बरी बहुत पावरफुल रत्न है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि पीताम्बरी में जिसमें पीला रंग ज्यादा है वो पीताम्बरी है, जिसमें नीला ज्यादा है वो नीलाम्बरी है। पीताम्बरी और नीलाम्बरी, नीलाम्बरी में फिर से एक वीडियो दोबारा बनाएंगे, पर पीताम्बरी के ऊपर हम बात बता दें कि जिसमें थोड़ा पीलापन ज्यादा है और नीलापन थोड़ा कम है, ऐसा रतन गुरु बृहस्पति को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग और शनि को थोड़ा सा कम, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन आप अकेला नीलम भी नहीं पहन सकते और अकेला पुखराज भी नहीं पहन सकते, उस केस में हमें ऐसा रतन चाहिए जिसमें थोड़ा पीलापन थोड़ा सा नीलापन आए। किसी किसी रत्न की किनारी पे नीलापन होता है, वो बहुत प्यारा रत्न होता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली आप जुडिशरी में तैयारी करते हैं, वकालत में तैयारी करते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, और इसके अलावा जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, उन लोगों को तो खास करके पीताम्बरी रत्न धारण करना चाहिए। इसमें एक और विषय आ जाता है, बारीकी से अगर देखेंगे, शनि और गुरु यदि आपकी कुंडली में मिथुन लगन है और कन्या लगन है, कन्या लगन वाले लोग और मिथुन लगन वाले लोग और धनु और मीन लगन वाले लोग, ये चार लगन वाले तो 100% आप पहन लो बस आंख बंद करके। अगर आपके शनिदेव और गुरु बृहस्पति नीचस्त नहीं है तो अच्छे विद्वान की सलाह लेकर के, अगर ये ग्रह अच्छी जगह पे अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अच्छे भाव के मालिक हैं, आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, बड़ा यूनिक रत्न होता है, बहुत ही प्यारा रत्न है। दो कलर का कॉम्बिनेशन लेना मतलब हर किसी रत्न की बस की बात नहीं है।
इसके अंदर मैंने कुछ और भी स्टडी की, काफी बारीकियों में देखा, काफी पीताम्बरी लोग जो पहनते हैं उन्हें, जिन लोगों को शुगर की परेशानियां, डायबिटीज जिनको ज्यादा रहती है, जिनको घुटनों का दर्द ज्यादा रहता है, हेल्थ इश्यूज जिन्हें ज्यादा रहते हैं, खास करके घुटनों में दर्द, बॉडी में पेन, और जिनकी कुंडली में ज्यादातर, जैसे आप देखेंगे जिनकी बॉडी में गठिया की प्रॉब्लम रहती है, जिनको दर्द ज्यादा रहता है, बॉडी पेन ज्यादा रहती है, उन्हें यह रतन बहुत ज्यादा लाभ देता है, बहुत ही ज्यादा यूनिक। हाई ब्लड प्रेशर वाले, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, जिनका बीपी बहुत तेज होता है, उन्हें यह रतन बहुत लाभ देता है। एक कैरेट का भी रतन काम करता है अगर रतन की क्वालिटी अच्छी है तो। कलर, क्लियरिटी, कटिंग, सफाई, ये ट्रिपल सी तो जरूर देखना चाहिए, कलर, क्लियरिटी और कटिंग, उसके बाद आता है वेट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि गुरु जी 100 किलो का भार है तो 10 रत्ती, 90 किलो का भार है तो 9 रत्ती, तो ये गलत फॉर्मूला है। रतन आपके हमेशा डिग्री के हिसाब से देखे जाते हैं, आपकी हाथ की रेखाएं, आपके हाथ की रेखाएं और आपकी कुंडली और आपका फेस, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर पता चलता है कि आपके लिए कौन सा रतन सही सूटेबल है। ऐसे बॉडी वेट तो कल कम हो जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, बॉडी वेट से कभी भी नहीं पहनना। तो आप पीताम्बरी रतन धारण करें, पीताम्बरी जब भी धारण करें तो उसका वजन का, कलर का, क्लियरिटी का बहुत ज्यादा दिमाग में ध्यान रख करके करें। श्रीलंका माइंस का सबसे बेस्ट होता है, मेडागास्कर भी पहन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ग्लास फील्ड नहीं पहनना चाहिए, नेचुरल स्टोन पहनी है। नेचुरल मतलब जो धरती के गर्भ से निकला हो। आजकल लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन पुखराज, लैब ग्रोन ब्लू सफायर, लैब ग्रोन की भरमार चल रही है आजकल, क्योंकि ओरिजिनल आने बंद हो गए, बहुत कम निकलते हैं। ऊपर से रही की कसर चाइना ने हमारी पूरी मार्केट पे कब्जा कर लिया है, पूरा सामान चाइना आज दबा दब लेके जा रहा है, 5 गुना रेट पे खरीद रहा है। आज हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर श्रीलंका सामान खरीदता है तो कितनी परेशानी आती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सामान ही नहीं मिलता। चलिए बहुत सारी बातें हैं, तो दोस्तों ये एक रतन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए रतन के साथ। आज्ञा दीजिए नारायण जी को। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।